वरकातो आज अल्हम्दुलिल्लाह बारकस में जो सालम पहलवान अखाड़ा है, अखाड़ा सालम पहलवान के शागिर्द और मैं समझता हूँ उनके नवासे भी हैं, उन्होंने मोहम्मद बिन अहमद सादी इन्हों और साले बिन हैदर सादी, ये नौजवान, ये रियल हीरो, ये प्यारा बारकस का दुलारा, इसने वीर जवान तेलंगाना केसरी में सेकंड प्लेस बिठाया है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आइंदा साल ये नंबर वन पे भी अल्लाह ने चाहा तो जाएगा। आज बारकस हैदराबाद की जान बन चुका है, क्योंकि बारकस में स्पोर्ट्स में हमारे रेसलिंग हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर स्पोर्ट्स में बारकस नंबर वन जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं है कि तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से रेसलर में अगर कोई पहलवानों को ट्रेनिंग देकर भेजाया जाएगा तो सब ने नंबर वन हैदराबाद के रियल हीरोज बारकस के यही नौजवान तेलंगाना को पार्टिसिपेट कर तेलंगाना को जिताकर हिंदुस्तान में लेकर आएंगे। सेकेंडली, आज हमारे दरमियान वो रियल हीरो भी है, गोल्डन गोल्ड रियल हीरो, जिनका नाम मैं सालम चिच्चा है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है उस जमाने के, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में है। और उनके साथ साथ सदर मजलिस तंजीम सबील खैर बारकस हसन बिन अबूद अल सादी साहब भी यहाँ पर बच्चों को मुबारकबादी देने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ साथ जो इरखान की दवा डालते हैं, जो मशहूर है, अल्लाह उनको सलामत रखे, महमूद कुरैशी साहब भी हमारे दरमियान में है, हबीब फहद साहब भी दरमियान में है, और सोने पे सुहागा हिंदुस्तान का प्यारा पान हमारे दरमियान सलूट जफर भाई को, साथ में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का प्यारा मोहब्बत वाला ईमानदार वफादार दयानतदार नासिर खुलागी भी हमारे साथ में। अब हम इन दोनों जिम्मेदारों से, इन दोनों रियल हीरो से, इन दोनों जिम्मेदार रेसलिंग के बहादुर निडर बेबाक जाबाज सिपाहियों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हैदराबाद जो ओल्ड सिटी बोलते हैं, ओल्ड नहीं गोल्ड सिटी है, इवेंट ऑर्गेनाइज करे थे, उसमें मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे उस्ताद सालम पहलवान और मेरे भाई और हमारे दादा कचहरी साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों की दुआओं से आगे भी बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ है भाई? नेक्स्ट प्रोग्राम किधर है? इंशाल्लाह अभी नेशनल सेलेक्शन से सीनियर के उसमें भी पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसमें भी पार्टिसिपेट करूँगा। ओके ओके। हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी नासिर खुलागी, जो हैदराबाद बारकस में अल सादी जो यहाँ पर जो फंक्शन जो करे हैं, जिसमें अहमद बिन साले सादी और आपके तलहा कसरी साहब, सालम पहलवान जो हैदराबाद के मशहूर पहलवान हैं, जो उनके पास काफ़ी लड़के हैं उनके पास तैयार, और 85 में मोहम्मद सादी जो यहाँ पे मिडिल बैठाए सेकंड प्लेस, और हमारे ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हमदा बिन उमर अल मारूफ जफर भाई, और सोनपुर के भी वो प्रेसिडेंट है, तेलंगाना अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है। आज 25 साल या 30 साल से लगातार जो टूर्नामेंट जो करा रहे हैं, जो स्टेट के और हैदराबाद में बहुत अच्छे पैमाने पर उनके इनके निगाहों में चल रहा है, और अहमद भाई के जो दो तीन लड़के हैं, जिसमें इससे पहले भी अब्दुल्ला सादी 97 में सुपर वेट दो बार भी अपने पास मिडिल बिठाए, और तलहा साहब जो उनके भी लड़के थे यहाँ पर, जो अच्छे बच्चे यहाँ पे लड़े हैं हैदराबाद केसरी में और इधर तेलंगाना केसरी में, और मोहम्मद बिन सालम पहलवान जो जहीदी इनके सालम शाह के जो बेटे हैं अली पाशा और जैन, इनके लड़के भी यहाँ पे पहलवान कर रहे हैं, जो सालम शाह के पास मशहूर तालीम है, सालम शाह की यहाँ पे बारकस में कदीम ईसा उस्ताद की शागिर्द है, 40 साल पहले उस्ताद सालम पहलवान यहाँ पर इनकी निगरानी में तालीम चल रही है यहाँ पे बारकस की, सालम पहलवान अखाड़ा नहीं नहीं ये
आप लोग पूरा ग्रुप छह Thank you.